हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एनरिचिंग इंग्लिश क्लास 5 की जो बुक है उसका चैप्टर 12 है, जिसका नाम है अलोन ऑन द आइलैंड। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट From the novel Kidnapped is about a 17 years old Scottish boy, David Balfour. After the death of his parents, David leaves his home to meet his uncle Ebenezer, a cunning man, gets David kidnapped by a ship's captain to be sold as a slave in America. Their ship is wrecked and David is washed ashore on the Isle of Errand. Do you think David finds a way to leave the island? Read on to find out. तो ये जो extract है ये कहाँ से लिया गया है? एक novel है जिसका नाम है Kidnapped, ठीक है, Kidnapped। तो ये story किसके बारे में है? David के बारे में है, जो कि एक 17 साल का Scottish boy है। Scottish boy मतलब कि वो Scotland का रहने वाला है, और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो किसके पास जाने वाला होता है? अपने अंकल के पास जाने वाला होता है, जो कि एक कनिंग मैन होता है, एक बदमाश मतलब शातिर इंसान होता है। और उन्होंने क्या किया कि डेविड को किडनैप करवा दिया एक कैप्टन के शिप से, शिप के कैप्टन से, ठीक है, और ताकि उसको वो कहाँ बेच दे? अमेरिका में एज अ स्लेव, ग़ुलाम के तौर पे जो है वहाँ पर अमेरिका में उसको बेच दे। लेकिन उनका शिप जो है वो क्या हो जाता है? डूब जाता है, और डेविड बहकर जो है पानी के साथ बहकर कहाँ आ जाते हैं? आइलैंड ऑफ एड्रेड में आ जाता है, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि उसको वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? तो यही चीज़ जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द टाइम आई स्पेंड ऑन द आईलैंड इज स्टिल अ टेरिबल मेमोरी फॉर मी। आई हैड नथिंग इन माई पॉकेट एक्सेप्ट मनी एंड एलन सिल्वर बटन। आई न्यू डैट शेल फिश व गुड टू ईट, एंड अमंग द रॉक्स आई फाउंड प्लेंटी ऑफ लिम्पर्स। देर वर ऑल्सो लिटिल शेल्स डैट वी कॉल बकीज और पेरीविंकल। दीज मेड अप My entire diet, and I ate them cold and raw. तो डेविड अपने बारे में बताता है कि जो भी टाइम उसने उस आइलैंड पे जो है बिताया था वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल मेमोरी है, और उसके पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से पैसे थे और एलन का एक सिल्वर बटन था उसके पास, और उसे पता था कि शेल फिश जो होती है उसको खाया जा सकता है, और वहाँ के पत्थरों के बीच में उसको बहुत सारे शेल फिश जो है वो मिल गए थे जिसको वो खा सकता था, और बहुत सारे थे, छोटे छोटे भी शेल्स थे जिसको वो लोग क्या कहते थे, बकीज या पेरीविंकल कहते थे। तो यही चीज़ जो है उसकी कंप्लीट डाइट जो है उसी के ऊपर थी आइलैंड पर, ठीक है, और वो उनको कच्चा ही खा लेता था। At first they seemed delicious. When I had them for the first time, I was seized with giddiness. For a long time I lay on the ground feeling that I would die, but the food went down better for the second time. अब इसके बाद क्या बता रहा है कि पहले तो इसको लगा कि हाँ ये अच्छा होगा खाने में, जब इसने खाया पहली बार तो वो इतना ज़्यादा इसको बुरा लगा कि बिल्कुल इसका सर जो है बिल्कुल चकरा गया था डेविड का, और वो काफ़ी देर तक ज़मीन पर पड़ा रहा और उसको ऐसा लग रहा था कि अभी वो मर जाएगा, लेकिन फिर उसको वो खाने की आदत पड़ गई। इट ऑल डे इट रेन, देर वॉज नो ड्राई स्पॉट टू बी फाउंड। डैट नाइट आई वेंट ऑन बेड बिटवीन टू बोल्डर्स डैट मेड अ काइंड ऑफ रूफ। तो सारा दिन जो है वहाँ पर उस दिन बारिश होती रही, कोई भी सूखी जगह नहीं थी जहाँ वो सो सकता, और दो पत्थरों के बीच में जो है उसने अपनी जगह बनाई ताकि उसको थोड़ी सी छत की तरह मिल जाए। द सेकेंड डे आई वॉक टू ऑल साइड ऑफ द आईलैंड। इट वॉज ऑल डिसोलेट एंड रॉकी, नथिंग बट गेम बर्ड्स एंड द गर्ल सैट ऑन द आउटलाइन रॉक, बट द क्रीक डैट
separated the island isle from the main followed into the sound of Iona. It was near this place that I made my home. तो दूसरे दिन जो है वो उसने पूरे आइलैंड का क्या लगाया, चक्कर लगाया। वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेला आइलैंड था और बहुत ही ज़्यादा पथरीला था, ठीक है। बस वहाँ पे कुछ बर्ड्स जो थी वो लोग आती जाती रहती थी, लेकिन जो चीज़ जो है जहाँ से एक मतलब के एक पतला सा जगह था जहाँ से समुंदर का पानी जो है आइलैंड के ऊपर आता था, ठीक है। और उसको मतलब आइलैंड को दो पार्ट में डिवाइड करता था वो पानी, और वहीं पर इसने अपने रहने की जगह बनाई। इन दिस पार्ट ऑफ द आइल द शेल फिश विच मेड अप माई डाइट ग्रू इन प्लेंटी। और इस तरह के छोटे पानी की जगहों में जो है शेल फिश जो है बहुत ही ज़्यादा मिलती थी। द अदर रीज़न फॉर स्टेइंग हेयर वेंट डीपर। और इसी वजह से इसको यहाँ पर रहना और ज़्यादा मतलब के अच्छा लगने लगा या ज़रूरी हो गया इसके लिए। I could not deal with the horrid loneliness of the isle. और इसको जो है वहाँ पर मतलब के इतने अकेलेपन में इसको रहा नहीं जा रहा था। I kept looking around me all sides in case I saw someone coming from a little up the hillside over the bay. I could catch a glimpse of the great ancient church and the roof of the people's house in Iona. Over the low country of the Ross, I saw smoke go up morning and evening from a homestead. Looking at your homes and comfortable lives kept my hopes of rescue alive. अब क्या हुआ कि वो हमेशा इधर उधर देखा करता था कि कहीं से उसको कुछ दिख जाए, जहाँ से मतलब के उसको ऐसा कुछ दिखे कि कोई उस तरफ से आ रहा है इसके तरफ। तो ये जब चट्टानों पे इसने चढ़ कर देखा तो वहाँ पर देखा कि एक जो है किनारा है जहाँ पर बहुत ही पुराना चर्च उसको दिखा, और वहाँ चिमनी से धुआं उठते हुए देखा, ठीक है। तो इसको ये पता चल गया कि इसके दिल में जो है एक उम्मीद बन गई कि हाँ, हमको यहाँ से बचाया जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत दूर था। द सेकेंड डे पास एंड दो आई केप्ट अ लुक आउट फॉर बोट्स एज लॉन्ग एज द लाइट लास्टेड, नो हेल्प केम। इट रेन कॉन्स्टेंटली एंड सून आई वेंट टू स्लीप। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड येट इट रेन फॉर मोर देन 24 hours एंड डिड नॉट क्लियर अप अंटिल द आफ्टरनून ऑफ द थर्ड डे। दिस वॉज द डे ऑफ इंसिडेंट्स। इन द मॉर्निंग आई सॉ अ रेड डियर स्टैंडिंग इन द रेन इन द टॉप ऑन द टॉप ऑफ द आइलैंड बट ही ट्रॉटेड ऑफ अपॉन द अदर साइड। तो इसको क्या हुआ कि दूसरे दिन इसी तरह से पास हो गया, उसने सारा इधर उधर देख लिया कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोट की तलाश करने लगा कि शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया, और कंटिन्यू बारिश हुए जा रही थी। दो दिन तक इसी तरह बारिश हो रही थी, जबकि गर्मियों का मौसम था, फिर भी 24 घंटे जो है बारिश हो रही थी। और बारिश कब रुकी, तीसरे दिन के दोपहर में जाके बारिश रुकी। और उस दिन क्या हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। सुबह में इसने क्या देखा कि एक रेड डियर जो है वो आइलैंड के टॉप पर खड़ा है, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया कि दूसरी तरफ वो चला गया। अ लिटिल लेटर एज आई वॉज ट्राइंग टू कैच माई लिम्पेट आई फाउंड अ गुइनिया पीस विच फेल अपॉन अ रॉक इन फ्रंट ऑफ मी एंड रोल इन टू द सी। आई रियलाइज डैट दिस वॉज द मनी आई हैव बीन कैरिंग इन माई पॉकेट। देर मस्ट हैव बीन अ होल इन इट। नाउ आई हैड नो मोर देन 2 गुइनिया पीसेज लेफ्ट।
I picked up a third guinea a little after. That made a fortune of £3 and 4 shillings for a lad who was knightful heir of an estate and was now starving on an isle in the wild highlands. अब क्या हुआ कि थोड़े देर बाद जब ये अपने लिम्पेट को मतलब शेलफिश को जो है वो कैच कर रहा था, तो उसी टाइम में इसको एक सिक्का दिखा वहाँ पर, ठीक है, जो कि पत्थरों में गिर गया था और पत्थरों से पानी में गिर गया था। और उसके बाद जो है इसको रियलाइज़ हुआ कि ये वही पैसे हैं जो इसके पॉकेट में थे। अब उसके बाद जो है इसको एक और पीस मिला सिक्के का, फिर एक और पीस मिला। अब इसके पास जो था £3 और 4 शिलिंग्स थे, ठीक है, इतना अमाउंट इसके पास था, और जो कि एक लड़के के लिए काफ़ी मतलब के ऐसा था कि ये किसी स्टेट का जो है क्या है कि मतलब के वो है मालिक है या फिर उसका होने वाला मालिक है, हायर है उसका, लेकिन जो है अभी वो क्या है एक आइलैंड पे खड़ा होकर क्या हो रहा था, भूख से तड़प रहा था। बाय द थर्ड मॉर्निंग माई क्लोथ्स वर बिगिनिंग टू रॉट, माई स्टॉकिंग्स वर फॉलिंग अपार्ट, माई थ्रोट वॉज सोर, आई फेल्ट वीक एंड द थॉट ऑफ ईटिंग मोर ऑफ द हॉरिड शेलफिश टर्न माई स्टमक, बट द वर्स्ट वॉज येट टू कम। और तीसरे सुबह में इसके कपड़े भी जो है क्या होने लगे, ख़राब होने लगे, और इसके जो स्टॉकिंग्स थे वो भी फट गया, और इसके हलक में जो है दर्द होने लगा, उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लगी, और ये सोच के ही जो है इसके पेट में तकलीफ़ होने लगी कि इसको और ज़्यादा शेलफिश जो है खाना पड़ेगा, और अभी इससे भी बुरा होने वाला था। देर वॉज़ अ हाई रॉक ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ एड्रेड, As soon as the sun came out, I lay down on the top of that rock to dry myself and scanned the sea and the rocks with interest. All of a sudden, a cobble with a brown sail and a pair of fishermen abroad came around the corner of the isle. I fell on my knees and cried out to them. अब जो है क्या हुआ कि एक ऊंचा पत्थर था नॉर्थ वेस्ट के साइड में उस आइलैंड के, और जब सूरज निकला तो ये उस पत्थर पे जाके लेट गया ताकि अपने आप को सुखा सके, और समुंदर को देखने लगा, और वो जो इसको बस्ती जो दिख रही थी, जो चर्च दिखा था और कुछ घर दिखे थे, उस तरफ देखने लगा। अचानक से इसको क्या दिखा कि एक मतलब के बोट, फिशिंग बोट जो है, और कुछ फिशरमैन उस आइलैंड के कॉर्नर पर आ रहे हैं, और वो ये अपने घुटने पर बैठ गया और जो है उन लोगों के सामने रोने लगा। दे वर नियर इनफ टू हेयर मी, दे स्पोक इन द गाइलिक टंग एंड लाफ, बट द बोट फ्लू ऑन राइट बिफोर माई आईज फॉर लोना, और वो लोग इतने करीब थे कि ये सुन लेते इसको, और वो लोग जो है अपनी लैंग्वेज स्कॉटिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन इसके आंखों के सामने वो लोग वापस चले गए। आई रैन अलॉन्ग द शोर क्राइंग आउट टू देम, इवन आफ्टर दे वर आउट ऑफ हेयरिंग आई स्टिल क्राइड एंड वेव टू देम, आई वेप्ट एंड रोड लाइक अ विकेड चाइल्ड टेयरिंग अप द टर्फ विथ माई नेल्स इन डिस्पेरेशन। When I was a little over my anger, I felt hungry again. I ate the shellfish even though I could barely stand it. Again, I felt terribly sick after eating. My throat was so sore, I could scarce swallow and had a fit of shuddering. और उसके बाद क्या हुआ कि ये जब बोट को जाता हुआ देखने लगा तो कॉर्नर तक गया और चिल्लाने लगा, ज़िद करने लगा, बहुत आवाज़ें लगाई, तब तक आवाज़ें लगाता रहा जब तक कि इसको पता था कि वो लोग अब इसको नहीं देख सकते हैं या सुन सकते हैं, और जो है ये बिल्कुल परेशान हो गया। जब इसको थोड़ा सा इसका गुस्सा शांत हुआ तो फिर इसको क्या हुआ कि इसने जब इसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो फिर ये फिर से इसने शेलफिश खाया
और उसके बाद जो है इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और इसको वो जो है उसको निगल नहीं पा रहा था कुछ भी, और क्या हो रहा था इसके इसकी बॉडी जो है पूरी शिवर कर रही थी। ठीक है, बाय द टाइम नाइट फेल माई क्लोथ वर ड्राई, आई वॉज मच बेटर दैन ऑल द टाइम आई हैड लैंडेड ऑन द आइल एंड गॉट टू स्लीप एट लास्ट। अब जो है रात तक जो है इसके कपड़े काफ़ी हद तक सूख गए थे, अभी ये काफ़ी बेटर कंडीशन में था, जब से ये आया था तब से जो है अभी बेटर कंडीशन में वो हो गया था। द नेक्स्ट डे विच वॉज द फोर्थ आई फेल्ट वेरी वीक बट द सन शोन एयर वॉज स्वीट, सून आई सॉ अ बोट कमिंग डाउन द साउंड इन माई डायरेक्शन, एट फर्स्ट आई टर्न अवे बट वेन आई लुक्ड अगेन द बोट वॉज स्टिल कमिंग स्ट्रेट टू ए रेड, आई रैन टू द सी साइड, माई माउथ वॉज सो ड्राई आई हैड टू वेट इट विथ सी वाटर बिफोर आई वॉज एबल टू शाउट। दूसरे दिन जो नेक्स्ट डे था, मतलब कि जो चौथा दिन था, उस दिन इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, लेकिन जो है सूरज चमक रहा था, हवा भी अच्छे से चल रही थी, फिर से इसने जो है एक बोट की आवाज़ सुनी। ठीक है, बोट को आते हुए देखा उसकी तरफ, और वो जो है उसकी तरफ गया और वो देखा कि वो बोट जो है इसी एरेड आइलैंड की तरफ ही आ रही है। इसने जो है समुंदर के पानी से अपने मुंह को गीला किया ताकि वो चिल्ला सके। ठीक है, इट वॉज द सेम बोट द सेम टू मैन एज यस्टरडे, नाउ देयर वॉज अ थर्ड मैन अलॉन्ग विद देम, एज सून एज दे केम क्लोज दे लेट डाउन देयर सेल एंड वेटेड क्वाइटली दे ड्रू नो नियरर। अब उसके बाद जो है ये वही बोट था, उसी तरह के दो लोग थे, एक और आदमी उसमें बैठा था, और वो लोग जब पास आए तो वो जो है वहाँ पर क्या करने लगे, वहीं पर वेट करने लगे, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, द न्यू मैन लाफ्ड एंड स्टूड अप इन द बोट, ही स्पोक टू मी फास्ट एंड विद मैनी वेविंग्स ऑफ हैंड, आई टोल्ड हिम टू स्पोक नो गायलिक, लिसनिंग एवरी वेरी क्लोज आई कॉट द वर्ड वॉट एवर सेवरल टाइम्स बट ऑल द रेस्ट वॉज गायलिक, वॉट एवर आई सेड टू शो हिम दैट आई कॉट अ वर्ड, यस यस सेड ही एंड बिगेन अगेन एज हार्ड एज एवर इन गायलिक, दिस टाइम आई पिक आउट अनदर वर्ड टाइड, then I had a flash of hope, he was always waving his hand towards the main land of the rose, do you mean when the tide is out, I cried, yes yes said he, tide, that I turned around and leaped back the way I had come from one stone to another and ran across the isle, and about half an hour I came upon the shore of the creek, I dashed through it and landed with a shout on the main island. इसके बाद क्या हुआ कि वो बोट जो है उसको दिखा और सारे लोग जो है हंस रहे थे उस पर, फिर एक आदमी उसमें से खड़ा हुआ और अपना हाथ हिला हिला के जो है बात कर रहा था, वो अपने ही लैंग्वेज में बात कर रहा था जो कि ये नहीं समझ पा रहा था, फिर बहुत ही ध्यान से इसने समझा तो उसको एक वर्ड समझ में आया, वॉट एवर, काफ़ी कई बार, तो इसने वापस से कहा वॉट एवर, तो उन लोगों ने कहा, उसने ने कहा यस यस, फिर उसके बाद जो है वो अपने ही लैंग्वेज में बात करने लगा, फिर इसने एक वर्ड पिक किया उसकी बात से, टाइड। अब उसको जो है एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि जो है वो अपना हाथ जो है रॉस आइलैंड की तरफ जो है दिखा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसने कहा कि क्या तुम कहना चाहते हो कि जब टाइड चला जाएगा। ठीक है, तो उस आदमी ने कहा हाँ हाँ टाइड। उसके बाद जो है एट दैट आई टर्न अराउंड एंड लीव बैक द वे आई हैड कम फ्रॉम वन स्टोन। अब उसके बाद जो है वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर जो है पर क्रॉस करके जो है आइल पर जो है दौड़ने लगा, और एक घंटे बाद जो है वो कॉर्नर तक आ गया, और उसके बाद जो है आई डैश थ्रू इट और
एंड लैंडेड विद अ शाउट ऑन द मेन आइलैंड. और उसके बाद जो है मेन आइलैंड पर जो है वो आ गया था. तब तक अ सी ब्रेड बॉय वुड नॉट हैव स्टेड अ डे ऑन ए रेड विच इज द ओनली टाइडल आइलैंड and can be entered and left twice in a day, either dry-footed or by wading. It was no wonder the fishermen had not understood me. The wonder was that they guessed my mistake and taken the trouble to come back. I had lived with the cold and hunger on the island for close to 100 hours. But for the fishermen, I might have left my bones there. Even so, I paid dearly. Being ill and barely able to walk, I have seen wicked men and fools, and I believe they both have to pay for their action in the end, but the fools first. और उसके बाद जो है एक जो लड़का समुंदर के किनारे रहता है और वो मतलब के जो रहता है वो भी जो है उस आइलैंड पर नहीं रुक सकता है. ठीक है, जो कि एक टाइडल आइलैंड था. टाइडल आइलैंड का मतलब क्या है कि जो कि आइलैंड टाइड के टाइम में बनता है. समझ में आया, टाइड के टाइम में बनना और ख़त्म होना क्या है कि जब टाइड से क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर होता है और नीचे होता है. ठीक है, तो जब लो टाइड होगा तो वो आइलैंड जो है दिखने लगेगा, और जब हाई टाइड होगा तो वो आइलैंड जो है क्या हो जाएगा, मतलब डिसअपेयर हो जाएगा, वो नहीं देखेगा. तो एरेड जो था एक टाइडल आइलैंड था. ठीक है, और कोई भी इस तरह के आइलैंड पे नहीं आ सकता है, और अगर आ भी जाएगा तो ये मतलब के एक से दो दिन में वो वहाँ से चला जाएगा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो. और ये मतलब कि हैरानी की बात नहीं थी कि फिशरमैन जो है इसको समझ नहीं रहे थे, लेकिन उसको ये समझ में आ गया था कि उनको इसका मिस्टेक जो है वो समझ में आ गया था कि इसने क्या मिस्टेक की है. और फिर भी जो है वो लोग इसको लेने के लिए वापस आए. वो जो है कितने घंटे तक, तकरीबन 100 घंटे तक उस अकेले आइलैंड पर जो है रुका रहा था. ठीक, और उन लोग को, फिशरमैन को लगा होगा कि इसके सिर्फ हड्डियां ही वहां पर बाकी रही होंगी. ठीक है, और उसके बाद जो है ये इसने अपनी बेवकूफ़ी के लिए जो है, जो कि ये समझ नहीं पाया ये किस टाइप का आइलैंड है, तो ये अपनी बेवकूफ़ी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है शर्मिंदा था. और ये कहा कि हर इंसान को अपने किए का भुगतना पड़ता है, जो भी इंसान करता है तो उसको इसी दुनिया में जो है उसके लिए पे भी करना पड़ता है, और चाहे वो बदमाश हो या फिर कोई बेवकूफ़ हो, लेकिन बेवकूफ़ों को जल्दी पे करना पड़ता है. मतलब कि अगर वो लोग वापस नहीं आए होते इसको बचाने के लिए, तो ये कभी भी बच नहीं पाता डेविड. ठीक है, यहाँ पे ऑथर के बारे में कुछ लाइंस है. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वॉज अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, पोएट एंड ट्रेवल राइटर. हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर ट्रेजर आइलैंड, किडनैप एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड. ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल किड्स एजुकेशन. थैंक यू सो मच.